नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत प्रस्तुत कर रहा हूं आप सबके समक्ष हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री में मैं चर्चा करता हूं आपसे उन तथ्यों पर, इतिहास के वो तथ्य जो तथ्य हमसे छिपा कर रखे गए हैं या उन तथ्यों को हमारे समक्ष तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। दरअसल हमारे भारत की जो पीढ़ियां रही हैं उन पीढ़ियों से इतिहास को जानने या इतिहास को पढ़ने का अधिकार पूर्व में मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा छीन लिया और छिन गया था। दरअसल मुस्लिम आक्रमण जब हमारे यहाँ पर हुए, जैसे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ या अन्य जो आक्रमण हो रहे थे, तो उन्होंने हमारी जो साहित्य जो संपदा थी उस साहित्य संपदा को बहुत नुकसान पहुंचाया, और उसको नुकसान पहुंचा करके इतिहास उसके बाद जो रचा गया वो तलवार की नोक पर रचा गया। हमें या हमारी पीढ़ी को जो पढ़ाया गया या पढ़ाया जाता है लेकर के, सच्चाई कुछ दूसरी होती है, जिसके प्रमाण आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत इस हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री के तहत कर रहा हूं। आज जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं वो मुगल काल में एक महान शासक जिन्हें सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है, अकबर के शासनकाल में समाज की वास्तविक स्थिति क्या थी, मैं उसकी चर्चा आप सबके समक्ष कर रहा हूं। उस समय की स्थिति क्या थी? दरअसल इतिहास में सम्राट अकबर को बहुत ही महानतम शासक के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन ये भी मित्र सत्य है कि जो व्यक्ति जितना महान होता है उसके अंदर कमियां भी उतनी होती हैं। ये बात फैक्ट है कि यदि एक महान व्यक्ति की कमियों को साथ साथ यदि पढ़ाया जाता है तो जो पीढ़ी होती है जो या जो लोग उसको पढ़ रहे होते हैं उनके पास, उनके दिमाग पर, उनके स्मृति पटल पर उसकी गलत जो छाया है वो एक दर्शित होती है लेकर के, और बड़ी एक समस्या मेरे सामने आ जाती है, उस पाठक के सामने आ जाती है कि वो उसके कौन से करेक्टर को माने, एक महान करेक्टर को माने या आप मानिए उसका जो एक करेक्टर जो माइनस पॉइंट वाला करेक्टर दिखाया उसको माना जाए। रीजन क्या है कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो स्वयं तो अपना दोहरा चरित्र रख सकता है लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति के दोहरे चरित्र को बर्दाश्त नहीं करता। इस बात में आप ये ध्यान रखिए, चाहे व्यक्ति कितना ही विद्वान हो, कितना पढ़ा लिखा हो, वो सामने वाले से अपेक्षा यही रखता है लेकर के कि वो सामने व्यक्ति एक इकेरा चरित्र रख के मुझसे बात करे। इसलिए क्या होता है कि महानतम शासकों की वास्तविकता को इतिहासकार मानिए या हम मानते हैं, या स्वयं वो शासक जो उन जिन्होंने उनका इतिहास लिखा है उस काल में उनके द्वारा वो वहां से उसको विलुप्त करा देते हैं और महानता हमारे सामने रहती है और वास्तविक जो सच्चाई इतिहास की होती है उससे रूबरू हमारी पीढ़ी नहीं हो पाती, एक स्थिति हमारे सामने आती है। इसी टॉपिक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अकबर के काल में जो कहते हैं कि जो समाज उस समय था, तो इतिहास में ज्यादातर हम लोगों ने यह पढ़ा है लिखे कि अकबर एक महान शासक था, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया और बहुत से जो कार्य हैं अकबर के, उन महानतम उन कार्यों को महानतम बताया गया है। दरअसल जब कोई कार्य किसी के द्वारा महानतम किया जाता है तो ये बात यहाँ ध्यान रखी जाती है कि उसके पीछे उसका निजी स्वार्थ तो कोई नहीं है। यदि कोई कार्य आप ऐसा कर रहे हैं जिसके पीछे आपका कोई निजी स्वार्थ है, जैसे आपने कहीं किसी पर, किसी मनुष्य ने कोई कार्य किया, किसी को किसी की कोई सहायता की और उस सहायता करने के दौरान उसका स्वार्थ उसके साथ आ रहा है, तो मित्रों आप ये ध्यान रखिए वो महान कार्यों की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा क्योंकि सहायता के द्वारा अपने स्वार्थ की सिद्धि की गई है। इसमें मैं ऐसे ही एक टॉपिक के हम बात कर रहा हूं क्योंकि आप ध्यान रखिए जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आते हैं हम लोग उस टॉपिक पर कि अकबर के शासनकाल के अंदर समाज की वास्तविकता उस समय क्या थी। दरअसल अकबर के शासनकाल में जब कवि तलवार की नोक पर या मानिए डर करके जो इतिहास की रचना कर रहे थे, उसी समय एक महान कवि जिन्हें हम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जानते हैं, वो अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, अकबर से भय भय रहित होकर के उन्होंने
तत्कालीन समाज की वास्तविकता का सचित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसकी एक संक्षिप्त चर्चा मैं आप लोगों के सामने आज के टॉपिक में रख रहा हूं। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी के का जो ग्रंथ है कवितावली, वहां से मैंने यह अंश लिया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय तत्कालीन बुंदेलखंड के जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी चर्चा करते हैं, यानी कि मुगल, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास रहे अकबर के समकालीन रहे हैं। अकबर ने उन्हें मनाने का प्रयास भी किया था, उनके पास प्रस्ताव भी भिजवाया था कि वो दरबार में आए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने इस बात के इनकार कर दिया था और साफ कह दिया था कि हम प्रभु श्री राम के चाकर हैं, जहां से हम एक तरीके से स्थायी नौकरी ही कर रहे हैं उनकी, हम किसी के दरबार में नहीं जा सकते। तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से लिया गया जो अंश है मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूं, क्योंकि हमारे, मैं देख रहा हूं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से काफी छेड़छाड़ की गई है और आज के दौर में, वर्तमान में, अध्ययन के अभाव में हम उन ग्रंथों का जो अर्थ है उसको सही ढंग से नहीं निकाल के हम लोग अनर्थ उसका कर देते हैं। और कई बार यह होता है कि व्यक्ति जो उसका विरोध कर रहा होता है, सच और ईमानदारी ये होती है कि जो विरोध कर रहा होता है उसने स्वयं ने कभी भी उस ग्रंथ के स्टडी नहीं की होती है, ना उसका अध्ययन किया होता, ना ही उसके अर्थ को समझा होता है। बस एक अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार हमारे देश के अंदर जो मिला हुआ है उसका मिसयूज करते हुए वो बकायदा अपनी बात कुछ भी वहां रखते हैं। मैं रख रहा हूं, इसमें मेरे पर्सनल अपने कोई विचार नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो विचार सच्चाई तत्कालीन मुगल साम्राज्य के समाज की जो रखी गई थी, मैं उस पर हम यह बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पढ़ रहा हूं उसको लेकर के, बात करते हैं कवितावली के इस अंश की। इसमें लिखा हुआ है कि खेती ने किसान को, भिखारी ने भीख भली, बनिज बनिक को बनिज, ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोक सीध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदेहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सभ्य पे राम राव रे कृपा करी, दारिद्र दसानन बयाई दुनी दीन बंधु, दुरित बहन देखी तुलसी आहा करी। मित्रों, अब यहाँ इसके अर्थ की ओर हम देखें, यदि जो हम ये लिखा हुआ है तुलसीदास जी का इस रचना का यदि भावार्थ अर्थ करते हैं, तो हमें जो इतिहास में हमने महानता जो अकबर की पढ़ी थी उसका एकदम उलट हमें यहाँ पर नजर आता है। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं लेकर के कि तत्कालीन समाज की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि किसान के पास जोतने के लिए खेत नहीं है, ना ही खेती करने के लिए कोई साधन है, लोग भिखारी को भीख तक नहीं देते हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि भिखारी को भीख तक दे सके। तो किसान को खेती के लिए जमीन नहीं, उसके पास खेती करने के साधन नहीं, भिखारियों को मात्र भीख तक नहीं मिल पा रही है, बनिए का जो व्यापार है वो एकदम चौपट हो चुका है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा था, लोग किसी को नौकरी देने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि उस नौकर को वो तनख्वाह दे सके, लोग जीविका विहीन हो चुके थे, लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बहुत घट चुकी थी, क्रय शक्ति एकदम उनकी खत्म हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था, वो किसी प्रकार मार्केट में कुछ चीज खरीद नहीं सकते थे, लोग परेशान थे, लोग इतने परेशान थे, एक दूसरे से बकायदा कहा करते कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कोई सुनने वाला हमारी नहीं है, हे प्रभु। ऐसा कहा गया है वेदों में, पुराणों में, ऐसा कहते हैं लेकर के कि जब इस प्रकार का कोई संकट आता है तो उसके अंदर भगवान श्री राम, हे प्रभु श्री राम, मैंने सुना है कि आप उन पर कृपा करते हैं। आज वर्तमान में हमें देख रहे हैं, आज समाज के अंदर यह है कि गरीबी रूपी दशानन जो है अपने पांव पसार रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। हे प्रभु, मैं तुलसीदास आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इन तमाम गरीबों का उद्धार करें, इन्हें अपने संकट से, इस संकट से उभारें। मित्रों, ये सच्चाई
वर्तमान में आज भी जो COVID-19 जैसी त्रासदी जो आज आई हुई है वो भी हमें नजर आती है। आज हम देख रहे हैं लेकर के, ये जरूर है कि केंद्र सरकार की ओर से जहां भी जैसा गया, अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दी गई है, लेकिन सवाल है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज वो है कहाँ पर? क्योंकि वो पैसा बैंकों के पास गया है और बैंक वो उस पैसे को जो दे रहे हैं वो अपनी शर्तों पर दे रहे हैं। कहने करते कि गरीब आदमी हाहाकार कर रहा है, वो मर रहा है। मध्यम श्रेणी की स्थिति ये हो चुकी है कि वो उसके पास खाने को दाने तक नहीं है, रोजगार खत्म हो चुका है, व्यापार एकदम 100% से 10% का व्यापार रह गया है। इस प्रकार की स्थिति उस संदर्भ को देखें तो वो ही घटना आज भी हो चुकी है। लेकिन घटनाएं मीडिया के माध्यम से, घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हमें ऐसी नजर आती है कि आर्थिक पैकेज लोगों को मिल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कितनों को पैकेज मिल रहे हैं वो बात आप स्वयं देख सकते हैं, कितनों को मिला क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा हालत खराब जो हो रही है वो मध्यम परिवार के व्यक्ति की सबसे ज्यादा हो रही है। इस लोग इस समय भी हे राम प्रभु राम श्री राम चिल्ला रहे हैं। तो इस प्रकार का जो समाज की जो स्थिति चल रही थी मित्रों, वो अकबर के काल में भी चल रही थी, अकबर के काल में भी था। वो सच्चाई से हम रूबरू नहीं थे, जैसा वर्तमान में आज भी हम देखते हैं कि सिर्फ मीडिया के थ्रू टीवी पर आने वाली बातों को ही हम सुनते हैं और हमारे सामने जो दिखता है हम उसी को देखते हैं, बैक के अंदर क्या होता है हमें चीजों का पता नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए जो बात देखा जाता है लेकर के, यदि आप बात कोई प्रैक्टिकली किसी को मेरी बात झूठी लगती है तो एक बार वो स्वयं बैंक जाके पता करे और एक बार बैंक मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर से बात को कहे कि मुझे नया व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए कोई लोन चाहिए, तो फिर बताइए मुझे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में से आपको कितना परसेंट मिलता है, कितना वो पास करता है। मित्रों आज की ये सच्चाई जो समाज की, मुगल काल की सच्चाई जो उस समय समाज की थी उससे, और आज मैंने इसको जोड़ने का प्रयास किया। मेरी बात यदि यहाँ यह टॉपिक आपको अच्छा लगता, पसंद आता है तो मेरा चैनल जेके विद ललित धानावसर, एक बार फिर बोल रहा हूँ मेरे चैनल का नाम है जेके विद ललित धानावसर, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं इस टॉपिक पर कितनी चर्चा कर पाया हूँ, कितनी बात मेरी हो पाई है। अगले किसी और टॉपिक के साथ मैं किसी अगले टॉपिक में फिर आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक आपसे विदा लेता हूं। आपका अपना ललित धानावत, नमस्कार।